गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई होप आर द स्टूडेंट्स विल बी फाइन एट योर प्लेस। सो स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू टीच अ पोइम रिटन इन मार्च क्लास फोर्थ एंड सब्जेक्ट इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स, हम पोइम पढ़ेंगे आज रिटन इन मार्च, और जो इसके राइटर हैं वो विलियम वर्ड्सवर्थ है, जो कि आप जानते हो। विलियम वर्ड्सवर्थ जो राइटर हैं वो हमेशा नेचर पे लिखते हैं, तो उनकी ये लिखी हुई पोइम है नेचर पे। तो आओ स्टूडेंट, हम पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि जानते हो, जो मार्च का महीना होता है वो सर्दियों के बाद शुरू होता है, तो ये महीना बहुत ही अच्छा लगता है। जो राइटर है उसने इसमें अपनी फीलिंग भी थोड़ी एक्सप्रेस की हुई है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि जो चिड़ियाँ होती है वो चहचहा रही होती है, जो ग्रीन ग्रास होता है बहुत अच्छा लगता है। मतलब कि बहुत ही इंसान हैप्पी मूड फील करता है। तो आइए पहले हम पढ़ते हैं इसको। द कॉक इज़ क्रोइंग, द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर। अब कॉक इज़ क्रोइंग, कॉक कौन है, या कॉक इसको बोलते हैं मुर्गे को। तो मुर्गा क्या करता है, सुबह उठ के बांग देता है। वो किसका इशारा करता है कि सुबह हो गई है, ठीक है। द स्ट्रीम इज़ फ्लोइंग, स्ट्रीम है जो नदियाँ हैं वो क्या कर रही है, बह रही हैं। द स्मॉल बर्ड्स ट्विटर, जो छोटे छोटे पक्षी हैं, परिंदे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कभी बड़े खुश होकर बड़े हैप्पी मूड में क्या कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी स्लो आवाज़ निकाल रहे हैं, कभी हाई आवाज़ निकाल रहे हैं, बड़े हैप्पी मूड में हैं, ठीक है। द ग्रीन फील्ड स्लीप्स इन द सन, और जो हरे भरे खेत हैं, वो खेत खलिहान है, वो कैसे लग रही है, जैसे सूरज की जो धूप है खिली खिली लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है, मतलब कि बहुत सुहावनी लग रही है। तो इसमें वो जो खेत हैं हरे भरे, वो इस तरह लग रहे हैं कि ये सूरज की धूप में सो रहे हैं। द ओल्डेस्ट एंड द यंगेस्ट आर एट वर्क विद द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब देखो, जो भी बूढ़े हैं, जो बूढ़े लोग हैं या जवान लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, बड़ी ही शक्तिपूर्ण तरीके से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, बड़ी हिम्मत से काम कर रहे हैं। द कैटल आर ग्रेजिंग, देयर हेड्स नेवर रेजिंग। जो कैटल हैं, जो गाय पशु हैं, वो क्या कर रही हैं, वो घास खा रहे हैं, और जो उनका सर है वो क्या हो रहा है, जो अपना हेड है उनका, वो क्या रेजिंग नहीं कर रहे, मतलब उठा नहीं, वो इतना चारा खाने में, इतना घास खाने में व्यस्त हैं, बिजी है, कि वो अपना हेड भी नहीं उठा रही। दे आर 40 फीडिंग लाइक वन, ऐसे लग रहा है जो 40 हों पर लग रहा है एक ही है। लाइक एन आर्मी डिफीटेड, द स्नो हाथ रिट्रीटेड। अब देखो, यहाँ पे जो स्नो है उसको किससे कंपेरिजन किया हुआ है, हारी हुई आर्मी से, हारी हुई आर्मी के साथ कंपेयर किया हुआ है। कि जैसे जब सर्दियाँ गुजर जाती हैं तो क्या होता है, जो स्नो है वो धीरे धीरे पिघलने लगती है, तो इसलिए इसे क्या किया है, वो स्नो है पिघल रही है, इसलिए उसे हारी हुई आर्मी के साथ यहाँ पे इन्होंने कंपेयर किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये देखो पक्षी दिखाए हुए हैं, सन दिखाया, उग रहा है, और ये कैटल्स है ग्रेजिंग कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम कल कवर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।